नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से होली मनाई होगी और ये होली के रंगों की तरह आपकी लाइफ में भी हैप्पीनेस के रंग हमेशा हमेशा बने रहें। यही मेरी प्रे है आप सभी के लिए यूनिवर्स से। और सबसे ज़्यादा जो रंग आप पर चढ़ा रहे, स्पिरिचुअलिटी का रंग कभी ना उतरे, ऐसा रंग ईश्वर आप पर हमेशा चढ़ा के रखे और हमेशा आपको अपने चरणों के साथ लगा के रखे। यही मेरी आप सभी के लिए प्रे है, दिल से दुआ है। तो ये था होली के लिए हैप्पीनेस, आप सभी के लिए ब्लेसिंग्स एंड आल्सो एनर्जी अपडेट मैं आप लोगों के लिए भी लेकर आई हूँ, क्योंकि आपने शायद नोटिस किया होगा बहुत टाइम से, काफ़ी गैप के बाद मैं ये एक एनर्जी अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। एक्चुअल में इतने दिन से जो एक ब्रेकेज एनर्जी अपडेट देने का चला रहा, वो ये जो मैं इतने टाइम से आप लोगों के लिए एनर्जी अपडेट नहीं दे रही थी, एक्चुअली मैं कुछ ऑब्ज़र्व कर रही थी। मैं एनर्जीज़ को, जो एनर्जीज़ चल रहे थी, जो शिफ्ट्स मैंने फील किए, वो सब कुछ मैं साइलेंटली ऑब्ज़र्व कर रही थी ताकि आपको क्लैरिटी के साथ उस एनर्जी अपडेट को मैं दे पाऊँ। देखिए, हो सकता है पास्ट में बहुत से एक दो दिन में बहुत से लोगों ने कुछ पर्जिंग को फील किया हो अपने अंदर। फेमिनाइंस ने भी एंड आल्सो मैस्कुलाइंस ने भी इस पर्जिंग को फील किया है। और इसके साथ ही जो फुल मून था कल, वो बहुत ज़रा बैलेंस्ड लगा मुझे। आप में से ऑलमोस्ट लोग बैलेंस्ड थे। हाँ, बिल्कुल मिसिंग एनर्जी आप लोग अपने पार्टनर्स की फील करते हैं, बिकॉज आप लोग कनेक्टेड होते हैं हार्ट चक्रा से, तो मिसिंग एनर्जी आप लोगों ने फील की होगी अपने पार्टनर की। लेकिन जो एक डिसबैलेंस होता है ऑलमोस्ट, वो नहीं था। एक बैलेंस वाली एनर्जी को मैंने फील किया, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड काम और एक डीप साइलेंस जो मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ बहुत से दिनों से। दोनों तरफ, फेमिनाइंस भी एंड मैस्कुलाइंस भी, दोनों ही बहुत ज़्यादा डीप साइलेंस में, रियलाइजेशंस में इस टाइम पर चल रहे हैं। हो सकता है आप लोग अपने पार्टनर से सेपरेट हो, ना बात हो रही हो आप लोगों की बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको कुछ रियलाइज़ नहीं है या आप लोग कहीं और ही ट्रैक पर चल रहे हो। कुछ लोगों को सेल्फ डाउट की एनर्जी फील हो रही होगी कि कहीं हम लोग फिर से ज़ीरो पर तो नहीं आ गए, पता नहीं क्या हो रहा है, ये एकदम कैसी एनर्जी है। हो सकता है आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डीप साइलेंस को फील किया हो इस टाइम पर। आप लोग बहुत ज़रा एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो खुद पर, क्योंकि इस टाइम पर है जो मैस्कुलाइन एनर्जी का प्योरिफिकेशन चल रहा है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को बॉडी में बहुत ज़रा हीटेड फील हो रहा हो, बहुत ज़रा गर्म लग रही हो अपनी बॉडी, क्राउन चक्रा पर बहुत ज़रा हीट फील हो रही हो, या आपके रूट चक्रा में आपको बहुत ज़रा बर्निंग सेंसेशंस फील हो रही हो, या आपको सोलर प्लेक्सिस में हीटेड फील हो रहा हो। हार्ट चक्रा में बहुत से लोगों को हैवीनेस फील हो सकती है। थ्रॉट चक्रा बहुत से लोग चोक्ड फील कर सकते हैं कि जैसे बिल्कुल ब्लॉक्ड हो गया है, हम खुद को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मे बी आप में से बहुत से लोग ये सब फील कर रहे हो इस टाइम पर। फेमिनाइंस की बात कर रही हूँ, तो अगर आप इस तरह की एनर्जीज को फेस कर रहे हैं तो आपको फिर भी अपने अंदर एक पीस है, एक बैलेंस है। बेशक आप अपने चक्रास में डिस्टर्बेंस फील कर रहे हो, लेकिन आप इनर पीस जो एक होती है, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ साइलेंस में आपको लेकर जा रही है इस टाइम पर। और ऐसी साइलेंस मैंने भी अपनी जर्नी में कभी नहीं एक्सपीरियंस की जो मैं अब फील कर रही हूँ। बहुत ही डीप साइलेंस।
एंड सेल्फ रियलाइजेशंस दोनों तरफ, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है और ये एनर्जी आपको रीयूनियन की तरफ ही लेकर जा रही है। क्योंकि दोनों तरफ जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है, साइलेंस होता है, तो साइलेंस एक ऐसी चीज़ होती है जब आप कुछ ना कहकर भी अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे होते हो अपनी एनर्जीज़ के थ्रू। बिकॉज आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हो, तो आप एक दूसरे की एनर्जीज़ को पिक करते हो और वो टेलीपैथिकली जो आप कनेक्टेड हो, एक दूसरे से बात कर रहे हो साइलेंस में रहकर भी, वो आप लोग समझ पा रहे हो। खुद को समझ पाना, इसका मतलब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको समझ रहे हैं और आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को समझ रहे हैं साइलेंस में जाकर। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। इसके साथ ही अगर आपको चक्रास में कुछ भी डिसबैलेंस हो रहा है, तो ये सब कुछ आपका प्योरिफिकेशन चल रहा है। इस साइलेंस में अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके यूनिवर्स के साथ अलाइन कीजिए, ठीक है। थॉट चक्रा में अगर चौक फील हो रहा है, तो अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए, खुद को खुल के एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। फेमिनाइंस को मैं यही एडवाइस करूँगी, जितना ज़्यादा आप अपने चक्रास को क्लींस करेंगे, क्योंकि आप लोग अपने चक्रास पे वर्क करते हैं। मैस्कुलाइंस को नहीं पता होता है कि हमें चक्रा बैलेंस करने हैं या मेडिटेशन करना है, क्योंकि कुछ लोग स्पिरिचुअल नहीं होते हैं। मैस्कुलाइन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो अगर फेमिनाइंस को पता है कि अगर हमें हैवी एनर्जीज पिक हो रही है या हमारे चक्रास डिसबैलेंस हो रहे हैं, तो हमें इनको क्लींस करना है। अपने चक्रास को जितना ज़्यादा क्लींजिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपके मैस्कुलाइंस को क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि इस टाइम पर जो एनर्जीज हैं मैं जो पिक कर पा रही हूँ, वो हमारे चक्रास बहुत ज़्यादा इस टाइम पर हाई एनर्जीज़ को फील कर रहे हैं। आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि आपको ग्राउंडिंग करनी चाहिए। कभी भी इस तरह की हैवी एनर्जी या हीटेड फील हो, ग्राउंडिंग कीजिए। फर्श पर नंगे पैर चलिए, ठीक है, घास के मैदान पर नंगे पांव चलिए। आप अपनी एनर्जीज को जितना ज़्यादा ग्राउंड करेंगे, उतना ज़्यादा आप दोनों बैलेंस हो पाएंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बात करें ना करें, अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सी फेमिनाइंस ने खुद को इतना ज़्यादा बैलेंस कर लिया है कि अब उन्हें किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उनके मैस्कुलाइन उनसे बात करते हैं नहीं करते हैं, वो साइलेंस क्यों है, उनके मन में क्या चल रहा है। अगर आप लोग इस तरह की एनर्जीज़ में हैं, तो डेफिनेटली ये फुल मून आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। बहुत सारा जो है बैलेंस है आपके अंदर, वो आपके लिए अबेंडेंस को ला रहा है। बहुत से लोगों का रीयूनियन बहुत ही जल्द होने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत से ऐसे साइंस भी मिल रहे हैं। मे बी आप लोगों को भी ऐसे साइंस मिल रहे हों। बहुत से लोगों को स्नेक्स दिखाई दे रहे हों, स्नेक्स मेटिंग करते हुए, या फिर एनिमल्स या बर्ड्स दिख रहे हों पेयर्स में, या 11-11 बहुत सी बटरफ्लाइज़, कुछ भी आपको जो यूनियन के इस टाइम पर साइंस मिल रहे हैं। लेकिन ये साइंस सिर्फ उन्हीं के लिए स्पेसिफिक होंगे जो लोग इस टाइम पर इस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। डीप साइलेंस, सेल्फ रियलाइजेशन दोनों साइड्स में, कोई बातचीत नहीं भी हो रही है, अगर हो भी रही है तो बहुत ज़रा अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आप लोगों के अंदर एक डीप साइलेंस है। तो अगर आप लोग इस तरह की एनर्जीज को फेस कर रहे हैं, तो अपने चक्रास को ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस कीजिए, ठीक है। और आई होप ये जो आपके लिए फुल मून है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए। बहुत से लोगों का रीयूनियन होगा, एंड जो लोग, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ हैं इस टाइम पर बहुत इंटेंस इफ़ेक्ट डाल रही हैं, बहुत ज़रा इंटेंसिटी के साथ होगा जो भी होगा। तो अगर आप लोगों का सेपरेशन भी होगा कुछ लोगों का, क्योंकि कुछ लोग इस जर्नी पर नए हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों का झगड़ा भी हो सकता है, उनको ट्रिगर भी मिल सकता है। तो अगर आपके अंदर कुछ इश्यूज रह गए हैं, तो उनको ट्रिगर मिलेगा डेफिनेटली, और कुछ लोगों का सेपरेशन होगा। लेकिन जो लोग इस टाइम पर फुली बैलेंस्ड हैं, उनका बहुत जल्द रीयूनियन होगा।
तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट करे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।